सर टूर्नामेंट में देख रहा हूँ बड़ी से बड़ी टीमें बाहर हो गई हैं, एक से खींचू बाहर हो गए हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए संजीव भाई, रीजन इसका सबसे बड़ा यही होता है कि एक तो जो मैदान में दौड़ने वाले ज्यादा हैं, जो पावर का पेस लड़ाते हैं वो यूं तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब टूर्नामेंट होता है उसमें जब क्रीज का खेल होता है, क्रीज का खेल में दोनों बाउंड है, बिल्कुल भाई जो क्रीज आपके लिए वही है अपोनेंट के लिए, सही है, तो उसके लिए एक लिमिटेशन होना चाहिए है। मतलब ये आपका जैसे फ्यूचर में जब भी गेम किसी का भी लड़े और जहाँ जहाँ की एसोसिएशन है ठीक है, उनको चाहिए यही है कि एक लिमिटेशन दे क्रीज के लिए। भाई क्रीज आपका टूर्नामेंट में आपकी 12 फीट ठीक है या 10 फीट है ठीक है, आप उसको 20 फीट कर दिए कि जो खींच वाले हैं जो पावर से काटते हैं वो क्रीज में बेकार हो जाते हैं। जिसके ये दो हकदार जो सामने नजर आ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, तो हम इसी खुशी पे शौक के बहाने आ गए इनसे मिलने के लिए और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतना उम्दा इंतजाम, टूर्नामेंट तीन मसले से चलता है। Welcome to Kite Culture. कोलकाता की ये टीम है डार्क हॉर्स और तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर कैसे हैं? उस्ताद आए हुए हैं दोस्तों और हम तो सब जगह छा गए यार, यहाँ भी कुछ अवार्ड लोग हैं क्या? आप लोग का आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? फैज चौधरी। फैज चौधरी जी, तो आपके कप्तान कौन है डार्क हॉर्स का? हमारे कप्तान है सामने खड़े हैं शब्बानी भाई। ये शब्बानी जी, दिलावर बेग। हाँ, उर्फ दिलावर बेग। अच्छा, उर्फ दिलावर बेग हमारे भाई। तो दोस्तों ये है टीम डार्क हॉर्स, उस्ताद आए हुए हैं कोलकाता की टीम के साथ ही, ये पूरी टीम है। किससे मैच है आज आपका? एक्सीलेंट। अच्छा एक्सीलेंट, लखनऊ से। ओके दोस्तों, पतंग के खेल की बात हो रही है और प्रयागराज की अगर बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक प्लेयर्स हैं, चाहे वो थ्री ब्रदर्स हैं या वकील भाई की टीम है या फिर यहाँ भारत का काइट क्लब है, बहुत सारी टीमों ने अपना लोहा मनवाया है। एक और हमारे साथ प्रयागराज की टीम है और इस टीम का नाम है मेहताब काइट क्लब है, हमारे भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जमीर। जमीर भाई जी, है जी, जी। तो आपके साथ कौन कौन आया है इस बार? इस बार मेरे साथ आए, ये हमारा छोटा भाई है, माशाल्लाह बहुत इज्जत देता है ये मुझे, इसका नाम है स्वीटी। स्वीटी, ओके। रियल नेम है फैज। फैज भाई, प्यार से इसको स्वीटी बुलाया जाता है। ओके, और हमारे साथ ये हमारे जो है चच्चा मियां आए हुए हैं, इनके क्लब लड़ रहे हैं। अच्छा, इनका तो कुछ मिठाई उठाई का सर बड़ा फेमस नाम, किस नाम से? कादिर स्वीट्स के नाम से। कादिर स्वीट्स, तो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं ये हमारे मिठाइयों के बारे में। और पीछे कादिर भाई, राइडर साहब आए हुए हैं, जैद भाई हमारे, जैद भाई। तो लड़ाएंगे कौन कौन? मैं लड़ा रहा हूँ जमीर और स्वीटी और राजू पेठा कानपुर। वो कहाँ हैं? वो चाचा वो बैठे हुए हैं। कौन से वाले? वो चश्मा लगा के देखिए बीच में बैठे हुए हैं, आसिफ भाई के बगल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नीली और व्हाइट शर्ट जी जी। ओके ओके ओके, तो ये है पांच पांच का प्रयागराज, जेडी से गेम लड़ रहा है हमारा। हाँ, और पांच पांच के स्कोर चल रहे हैं। ओके, बहुत फाइट के गेम लड़ रहे हैं, मजा आ रहा है हमें यहाँ पे, हैवी फाइट हो रही है। अरे बहुत मस्त लग रहा है भाई, क्या बताऊँ। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा है मैं इमरान सर के घर जाया करता हूँ, मटेरियल दिखाया करता हूँ, फरमान नियाजी पतंगे। आज देखिए इनका ऑल इंडिया में थर्ड राउंड का मैच है और सीधे सीधे इमरान सर से ही जानते हैं, थर्ड राउंड आपने निकाला है मांझा आपका वही। हाँ, फरमान नियाजी चल रहा है। तो
खींच वींच के काट रहे हैं बढ़िया खींच के फंसा के। तो देखिए दोस्तों ये सीधा सीधा सबूत है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तारीफ करता हूँ। देखिए इसी मांझे से, जो जिस मांझे से लड़ाता है मैं उसको दिखाता रहता हूँ। किसी को बरेली लॉइन पसंद है, किसी को अयान, किसी को बशीर बेग, और सर का फेवरेट मांझा है फरमान नियाज़ी। मेरा भी एक तरह से ये फेवरेट मांझा है क्योंकि बहुत अच्छा ये लड़ता है, नो डाउट, सस्ते में बढ़िया मांझा। और देख लीजिए दोस्तों, टूर्नामेंट में थर्ड राउंड पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा बड़ी बड़ी टीमें, चाहे वो गोल्डी भाई की हो, नए वाले एसोसिएशन में वो बाहर हो गई सेकंड में ही, चाहे वो गाजी की टीम हो वो भी बाहर हो गई। थर्ड राउंड पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए हमारे आशीष भाई हैं यहाँ पे और कतई जहर पेश लड़ा रहे हैं जैसा हमने सुनने को मिला है। एक्चुअली हमारे आशीष भाई ने काटे उसमें, हाँ काटे। अब पहले मैच में क्या हुआ था? पहले मैच में हम लोग का 5-9 से जीता था। ठीक है, तो आपने पांच हमने काटे थे, क्या कहने, पांच काट दिया हमने, 5-9 से वो भी जीता था। कौन सी टीम थी सामने? वो थी आपकी बरेली की, बरेली की, बरेली। और सेकंड वाली टीम कौन सी थी? सेकंड वाली केजीएफ थी। अच्छा, लखनऊ की केजीएफ। अच्छा अच्छा, सलमान है उसमें, भोलू है, शुभम है, ठीक ठीक, शाहरुख, यस। तो उन लड़कों को भी काट दिया, तो बहुत तेज खींचते हैं, तेज खींचते हैं, लेकिन भाई क्रीज आशीष सर के आगे बेकार हो गए। हां भैया, अपने हमारे आशीष भाई सिर्फ आशीष सर, यानी आप लोग को मौका ही नहीं दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो, बहुत अच्छी पतंगबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को, थैंक यू। और बाकी इमरान सर हैं हमारे साथ दोस्तों, तो लीजिए आ गए हैं हम, आज इनके पेच भी दिखाएंगे। अहमद भाई को तो खैर कई बार हम लोग के चैनल पे देखा ही होगा आप लोगों ने, हैंडसम से अहमद हमारे पतंग बांधते हुए। दिखाइए जरा सर कुछ पतंगे, आइए देखते हैं कौन कौन से कारीगरों की पतंगे हैं। ये है पतंग, देखिए श्यामलाल है, श्यामलाल जी की पतंग है, बहुत अच्छे बात है, श्यामलाल मेरठ। ये देखिए कितनी पुरानी पतंग लग रही है, कम से कम जो है 8-9 साल पुरानी पतंग है, दीप कुमार जी की 8-9 साल स्टॉक करके रखते हैं ये पतंग। अच्छा अच्छा, यही दीप कुमार से हमने काटे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हीं से, इन्हीं से, लेकिन वो कंकौआ दूसरा था। अच्छा, वो कंकौआ दूसरा, फरमा ये आपका, ये है सर, आप लोगों ने तो पूरी रखी रखी पतंगे उड़ा रहे हैं, ये कम से कम 15 साल पुराना। देखिए दोस्तों क्या बात है, किन की है ये? ये दीप कुमार। अच्छा, दीप कुमार जी की है, दांतदार है। हाँ हाँ, ये अब जल्दी मिलेगा नहीं, क्या बात है। तो दोस्तों ये है हमारे इमरान सर, और थर्ड राउंड आज लड़ाने जा रहे हैं, और टीम है रामपुर की, रामपुर दरिया रामपुर, दरिया रामपुर, रामपुर की टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और फिलहाल मैं तो दोनों लोग को ऑल द वेरी बेस्ट कहता हूँ कि अच्छे से लड़ाइएगा अहमद भाई आप लोग, बस हवा भी आ ही गई है, अब हवा आ गई है, अभी 1 बजे हवा आएगी। पहला मैं पेच देखिए लड़ने जा रहा है, लड़ने जा रहा है, आइए दोस्तों पहले पेच को दिखाते हैं। आइए दोस्तों इस पेच को समझते हैं, ऊपर से है शाने मुगल और नीचे से है लहरी मुरादाबाद की। 8-7 का स्कोर चल रहा है, लखनऊ को काटना है 1, तो वहीं मुरादाबाद को काटने होंगे 2। ये कंटिन्यू मैच चल रहे हैं, मैं तो फिलहाल नहीं था लेकिन आज आया हूँ। ये देखिए ले जाके सीधा सीधा रखा है, उन्होंने बाहर की तरफ खींचा, इन्होंने नीचे पट करके बिल्कुल तेज बाहर की तरफ ही खींच के, ये शानदार खींच के, और ये मैच जीत लिया है, और मुरादाबाद की लहरी टीम को किया है बाहर, शान मुगल हो गई है अंदर। ऐसा मौका मिलता है, ये है शान मुगल के प्लेयर्स दोस्तों, और इन्होंने कर लिया अगले राउंड के लिए एंट्री, इनका एक पेज बाकी था, इन्होंने काट लिया। ये मुगल है, ये मुगल यानी न्यू मुगल के मेंबर हैं। क्या नाम है सर आपका? न्यू मुगल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान जी। तो ये हैं इमरान और इनकी टीम है, आइए इनसे मिलते हैं एक एक करके। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। किससे मैच है अभी? हमारा कोलकाता इंटरनेशनल। अच्छा, कोलकाता की इंटरनेशनल से, बढ़िया टीम है वो भी, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये सारी टीम है, वेलकम वेलकम, ये पूरी आपकी ही टीम है। तो दोस्तों ये है न्यू मुगल, लखनऊ की टीम है, और इनका मैच होने जा रहा है कोलकाता की इंटरनेशनल से, देखेंगे अभी थोड़ी देर में कैसा क्या सीन बनता है। कप्तान कौन है सर आपके? अच्छा, आप ही कप्तानी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सामने है 4 फ्रेंड्स रामपुर की, और हमारे तनवीर भाई लड़ा रहे हैं A1 से, रामपुर से 4 फ्रेंड, ओके 4 फ्रेंड है, और सामने है A1। चलिए पेज की तरफ आइए दोस्तों, 5-4 का स्कोर चल रहा है, नीचे से A1 है, ऊपर से रामपुर 4 फ्रेंड्स। चलिए नीचे से तनवीर बढ़ रहे हैं, कुछ कंटिन्यू वाले मैच है वो भी चल रहे हैं, पेस सही है, दोनों
चलिए, रामपुर जो है लेफ्ट साइड वाली पतंग है, ऊपर से है और नीचे है A1, नीचे से है। तनवीर ले रहे हैं पेच A1 से। A1 की दो टीमें लड़ रही हैं, एक टीम चली गई है चौथे राउंड में। सही है, दोनों खिलाड़ी ध्यान दें। खींचते हुए चले जा रहे, ऊपर उठा रहे तनवीर पतंग चला चला के। इन्होंने पतंग ऊपर उठाई, चलाने की कोशिश करें आप लोग, ये सही है। चलिए चेहरे की तरफ लेके जा रहे रामपुर के प्लेयर। तगड़ा मैच चल रहा है दोनों में, 4-5 का स्कोर है। 5 से A1 आगे। तेजी से अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, बाहर खींचेंगे क्या? खींचा बाहर, इन्होंने अपने बाहर खींचा। बहुत अच्छा पेच काटा यहाँ पे रामपुर ने, बिल्कुल चेहरा काटा, वो ताकत नहीं मिली जो खींचना चाह रहे थे। स्कोर हो गया है 5-5 का, रामपुर वर्सेज A1। एक्सीलेंट वर्सेस चल रहा है डार्क हॉर्स कोलकाता, पहला पेच है ये, ऊपर से है डार्क हॉर्स कोलकाता के प्लेयर और नीचे है एक्सीलेंट की टीम। एक्सीलेंट से आपको याद आया होगा दोस्तों काजिम। चलिए ये ले जाके रखा है, अंदर की तरफ लेके जा रहे, ऊपर का पेच ले रहे हैं डार्क हॉर्स, नीचे से है। बहुत तेज खींचा है यहाँ पे, क्या फिर से खींचा है, रोका नहीं, फिर से खींचा है। ये देखिए, ये इजिली इन्होंने झोल काट दिया। अंदर की तरफ अगर तेज खींचते तो कुछ ना कुछ हो सकता था, हालांकि तब भी झोल मिलता। बहुत ही टेक्निकल ये पेच काटा। दोस्तों इमरान जी की टीम है गोल्डन टी काइट क्लब से लड़ाने जा रहे हैं हमारा पहला पेच आशीष जी, और ये है थर्ड राउंड, और सामने है दरिया काइट क्लब रामपुर। दरिया रामपुर से लड़ाएंगे इमरान भाई, आइए पहला पेच दिखाते हैं। आए दोस्तों, आशीष जी नीचे से हैं गोल्डन टी गाइड क्लब से, इमरान जी की टीम है दोस्तों, अपने इमरान सर, और ऊपर से अपने इमरान भाई भी हैं। दरिया रामपुर लेफ्ट साइड की पतंग ऊपर से है, आशीष जी की पतंग नीचे है। चलिए देखते हैं, थर्ड राउंड का ये गेम है, दो राउंड इन्होंने निकाल लिए हैं। इमरान भाई ऊपर से हैं दरिया रामपुर से, पेस सही है, बिल्कुल बीचों बीच रख रखा है इमरान भाई ने, और हल्का हल्का आशीष जी बाहर निकाल रहे। ये देखिए रखना शुरू किया नीचे, उन्होंने बाहर पट किया, इन्होंने बिल्कुल निकलता हुआ मारा है, मुड्डा घुमा अंदर, थपक रहे हैं आशीष जी, थपक रहे हैं। उन्होंने तेज ऊपर खींचा, इन्होंने आशीष जी ने बाहर की तरफ बहुत तेज खींचा है, इन्होंने बिल्कुल ऊपर खींचा था, गलत खींचा है, रोक के अंदर खींचते। आशीष जी का पहला पेच इमरान सर की गोल्डन टी काइट क्लब ने काट दिया है। बहुत ही अच्छा पेच, बिल्कुल टेक्निकल, ये अचानक से जो खींचा है बाहर वहीं पे, पहले ही मैं समझ गया था कि काट दिया इन्होंने, क्योंकि वहां पे रोक के अंदर तेज थपकना था। पतंग ऊपर कर लीजिए, जिस क्लब की भी हो, काली पतंग लाल पत्ते किस क्लब की है? अरे वो सफेद पत्ते वाली अटवाओ, क्या नाम है पत्ते वाली तो लड़ेगी। अरे मेरे भाई सफेद पत्ते वाली, सैफी भाई आपका क्या नाम है? चंदन जी, लाल वाली। दिल्ली के बिग बॉस है दोस्तों, पहला पेच लड़ाने जा रहे हैं वजीर बाग लखनऊ से, चंदन जी। हाँ, इनका पेच लड़ने जा रहा है वजीर बाग लखनऊ से दोस्तों, पहला पेच हमारे भाई लेंगे। आइए, लखनऊ की वजीर बाग लड़ाने जा रही है दिल्ली के बिग बॉस से, और पेच कौन लेंगे? पेच जा रहे हैं हमारे फन्नू भाई, फन्नू भाई लेंगे। नीचे से पेच है इनका, नीचे से यानी आगे खड़े होंगे जी। तो चलिए दोस्तों इनका पेच देखते हैं, दिल्ली की बिग बॉस है सामने। चलिए दोस्तों इनके बीच ये पहला पेच है, दिल्ली की बिग बॉस ऊपर से, लखनऊ की वजीरबाग नीचे से। पेच की दूरी है 450 मीटर, हवा की स्पीड है 6-7-8 के करीब, हवा कम है, ऊपर से रखा दिल्ली के मेंबर, अंदर का मुद्दा बना के ऊपर चढ़ रहे हैं, हटाया। बिग बॉस नीचे का पेच ले रहे हैं, आगे खड़े हैं, माफ कीजिएगा, बिग बॉस ऊपर से हैं, वजीर बाग नीचे का पेच है, जो राइट साइड वाली आपको पतंग दिख रही है। पेच तो सही है लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है अभी कुछ सोच रहे हैं, हालांकि अपनी पतंग थोड़ी सी बढ़ करके रखी है। चलिए ये ले जा के रख रहे हैं, नीचे का मुड्डा बाहर निकलता हुआ दिखा रहे हैं, रोकी पतंग, फिर से बल दे के फिर खींचा, फिर रोकी। चलिए पूरा खींचा है उन्होंने, अंदर की तरफ रुक दिखाया, बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे। जब भी कोई गद्दा मारे निकलता हुआ आपको क्या करना है, आपको खड़ा अंदर खींचना है, या अगर ताकत है
तो पत्ता खींचिए बाहर बिल्कुल फ्लैट लेफ्ट साइड की तरफ। अरहान ये पेज देखा आपने, कैसा लगा? बोलो मुझे। इधर देख के बोलियो। अच्छा लगा। क्या समझ में आया इसमें? जब भी कोई यूं मारे। हाँ बहुत अच्छे अरहान, क्या बात है, आप सीख गए यानी। जब भी कोई निकलता हुआ गद्दा मारेंगे अरहान, जब भी कोई निकलता हुआ गद्दा मारे तो आपको अंदर खींचना है, बिल्कुल ताकत। बहुत अच्छे अरहान। शीश महल वर्सेस अलिजबा लड़ रही है और पहला पेज ये है सी पूल का। लड़ाने वाले हैं, क्या नाम है सर आपका? शाहब नाम है हमारे भाई का। और पीछे साथ देंगे फैज भाई हमारे। आइए पहला पेज देखेंगे। सामने है अलिजबा, दोनों लखनऊ की टीमें हैं। चलिए दोस्तों ये पेज देखते हैं। शीश महल नीचे से है, अलिजबा ऊपर से है। सी पूल का पहला राउंड है इनका, यानी कि पहला मैच। धूप ने बिल्कुल कहर मचा दिया है बिल्कुल। ऊपर से अलिजबा, नीचे बढ़ते हुए शीश महल। नीचे की तरफ से अलिजबा पतंग का चक्कर दे रही है, अंदर खड़ा खींच रही है। उन्होंने अंदर की तरफ उतारा है मुड्ढा, अंदर की तरफ दिखा के शीश महल ने बिल्कुल खड़ा खींचा। इनने पतंग बाहर खींची है, इन्होंने अपने बाहर तेज खींच के बिल्कुल एक तरह से हल्का क्रॉस मारा था पट, और शानदार ये पेच काटा है ताकत से। क्या कर सकते थे, जब अलिजबा बाहर खींच रही थी रोक के अंदर हाथ को तरफ तेज तेज थपकती, क्योंकि खींचने की तो जगह थी नहीं। जेडी से लड़ा रहे हैं तौसीफ भाई और ऊपर का पेच है प्रयागराज का। आइए इनके बीच भी ये पहला पेच है, सी पूल का पहला राउंड इनका है। मुड्ढा उतार के पेच सही करने के लिए बोला जा रहा है, पेच बिल्कुल सही है। जो राइट साइड वाली पतंग है ये है तौसीफ भाई की, लखनऊ की जेडी टीम से लड़ा रहे हैं। ऊपर से रखा है प्रयागराज ने और स्वीटी लड़ा रहे हैं। यस प्रयागराज से स्वीटी, और प्रयागराज की जो टीमें हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वाकई मानना पड़ेगा इन टीमों को। इन्होंने अपने पैतरों पे सारा काम किया हुआ है, सिर्फ खींच पे नहीं। भारत ने बहुत अच्छा नाम किया है, वकील भाई की टीम तो है ही है, थ्री ब्रदर्स। चलिए ये देखिए ले जाके रखा है पाले में, नीचे कर रहे हैं। उन्होंने पट किया तौसीफ भाई ने बहुत तेज, फिर ऊपर तेज उठा रहे, देखिए झोल ना लगे। तौसीफ भाई ने अचानक तेज खींचा ऊपर, रोकी पतंग। तौसीफ भाई की पतंग बीचों बीच में चक्कर खा रही है, बाहर की तरफ निकाल रहे, वो अंदर का मुड्ढा लेके चढ़ रहे हैं, फिर बाहर हटाया। बहुत अच्छे से पतंग चला रहे हैं ये जो प्रयागराज की टीम है स्वीटी। नीचे से तौसीफ भाई पेच ऊपर उठते जा रहे हैं थोड़ा सा। पेच लड़ाने की कोशिश करना पड़ेगा, हवा का इंतजार करेंगे तो हवा लगने लगेगी नहीं और पेच कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अंदर से तौसीफ भाई पढ़ रहे हैं, इन्होंने ले जाकर रखा पतंग चला के। चलिए प्रयागराज नीचे कर रही है, ये देखिए कर रही है नीचे, बाहर की तरफ तेज खींचा है इन्होंने, अपने बाहर खींचा है, अंदर का मुड्ढा दिखा के नीचे उतार रहे हैं बहुत तेजी के साथ। तौसीफ भाई ने बहुत जोर लगा के बाहर की तरफ खींच के बहुत अच्छा पेच काटा, ये झोल काट दिया बिल्कुल, क्योंकि पाले में जाके चढ़ाया हुआ था और वही झोल पीछे खींच ले गए। क्या कर सकते थे, अंदर का मुड्ढा रख के तौसीफ भाई के हाथ की तरफ उतार देते तो कुछ हो सकता था तेज। तो अक्सर क्रीज पे अंपायरिंग करते हुए हमारे तौसीफ भाई आज पेच लड़ा रहे हैं, 6-5 का स्कोर है ना, तो 6 से आके है जेडी और सामने है मेहताब काइट क्लब प्रयागराज। चलिए सातवां पेच देखते हैं, मतलब पेच तो बहुत सारे हो गए, सातवीं की तैयारी कर रहे हैं। जमीर पेच ले रहे हैं मेहताब प्रयागराज से, और अभी फिलहाल 6-5 का स्कोर है क्या? तो 6-5 से थोड़ा पीछे ज़रूर है, लेकिन पूरी टक्कर दे रहे हैं, और ये हैं जमीर भाई। चलिए दोस्तों 6-5 का स्कोर है, ऊपर से लड़ा रहे हैं मेहताब, मतलब मेहताब काइट क्लब प्रयागराज। वजीर शायद यही नाम बताया उन्होंने मुझे। फिलहाल नीचे से पेच है जो आगे की तरफ पतंग है राइट साइड की तरफ तौसीफ भाई की। कमिटी में अच्छा रोल निभा रहे हैं, अंपायरिंग भी करते हैं फ्रंट, और आज जेडी लड़ रही है
कल से ये मैच हो रहे हैं इनके बीच, और इससे पहले अच्छा पेच काटा था हमारे तौसीफ भाई ने। जमीर लड़ा रहे हैं ऊपर से, माफ कीजिएगा। मैंने अभी अभी क्या नाम लिया ये भी मुझे नहीं याद है। चलिए, जमीर की पतंग लेफ्ट साइड वाली बीच में रखा हुआ है, यानी पेट के पास तौसीफ भाई की पतंग के। तौसीफ भाई ने हल्की सी पतंग खड़ी कर रखी है, यानी सीधी सीधी ले रखी है, ज़रा भी झोल नहीं है, ये ले जाके रख रहे हैं रोकी पतंग। तौसीफ भाई अपने पूरे पाले में बुलवा लेते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं बाहर खींच लेते हैं। चलिए देखिए, एक बार फिर से पाले में बुलाते हुए अपनी पतंग लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाते हुए तौसीफ भाई लगातार। चलिए देखते हैं, अच्छा पेच हो रहा है, दो दो जगह मैच हो रहा है, दोनों जगह कवर करना मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा ना दोनों ही एसोसिएशन जो है मेरे लिए सम्मानित है। चलिए ले जाके रखा है, तो दोनों ही जगह मुझे पहुंचना पड़ रहा है। नीचे मुड्ढा निकलता हुआ बनाया, बिल्कुल मारा है गद्दा, खतरा है तौसीफ भाई के लिए, लेकिन नहीं, खींच के आगे तौसीफ भाई के, जवाब नहीं। और ये देखिए पतंग जा रही है, और ये भाई ने तुरंत चिमटा भी लिया। ये यहाँ क्या कर सकते थे, अंदर का मुड्ढा फिर से घुमाना था, हालांकि अच्छा था लेकिन तेज खींचा था, फ्लैट लेटा हुआ, समझ में आया दोस्तों। फोर फ्रेंड्स रामपुर से लड़ रही है A1 की टीम, 5-5 का बराबर। आइए दोस्तों, अभी पेज कैंसिल हो गया था, हालांकि वो वीडियो मैं डिलीट कर देता हूँ। ऊपर से A1 पेज सही है, नीचे से फोर फ्रेंड्स तेजी से ले जाके मुख्तार भाई ने मारा है, उन्होंने अपने बाहर लेटा हुआ तेज खींचा है, देखते हैं क्या होता है। थपकी मार दी, बहुत अच्छा पेज काटा यार, क्या पेज काटा यहाँ पे, बिल्कुल यही करना है, ये तो नया तरीका बता दिया। अगर इन्होंने थपकी ना मारी होती तो हमारे बंटी भाई पहले ही कह चुके थे कट जाएंगे। हाँ, इनकी पतंग टूट गई। ओके अच्छा, उनकी भी पतंग टूट गई। खैर, इस पेज के बारे में क्या कहेंगे बंटी भाई? सर मैंने आपको बताई थी ना, पेज की पोजीशन पूरी मैंने बताई दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही देखिए हुआ, वही हुआ। अगर ये सबकी ना मारते ये कट जाए। न्यू मुगल नीचे से है और कोलकाता की टीम है इंटरनेशनल, कोलकाता ऊपर से है। चलिए दोस्तों, नीचे रख रहे हैं, इंटरनेशनल ऊपर से है, बहुत सारी इंटरनेशनल लड़ रही हैं। कमेंट्री पे हमारे शकील भाई बिल्कुल जान से लगे हुए हैं। चलिए सीधा सीधा अंदर की तरफ बढ़ा के लेके आ रहे हैं न्यू मुगल, और ऊपर से कोलकाता की इंटरनेशनल। चलिए घुमा के अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर निकाला इंटरनेशनल ने, सीधा मुड्ढा नीचे किया, अंदर की तरफ उतार रहे हैं, उन्होंने पतंग चक्कर दी और बाहर खींचा। वो देखिए रोक के फिर से कंटी पट, बहुत तेज मारा था लेकिन वहीं देर कर गए, बहुत ज़्यादा तेज खींचा यहाँ पे कोलकाता के प्लेयर ने इंटरनेशनल ने, अच्छा किया। जब घुमाया था पतंग को, बल दिया था तो उस तरफ नहीं, लेफ्ट साइड नहीं, इधर ही खींच लेते, समझ रहे दोस्तों, या बिल्कुल वहीं पे मारते गद्दा नीचे। बिग बॉस वर्सेस वजीर लखनऊ से मैच हो रहा है, पेच ले रहे हैं सर और 1-0 से पीछे हैं फिलहाल दिल्ली। चलिए देखते हैं अगला पेच। वजीर बाग नीचे से है दोस्तों और ऊपर से है दिल्ली की बिग बॉस, हालांकि एक पेच से पीछे है। चलिए दोस्तों देखते हैं नीचे की तरफ से वजीर बाग बढ़ते हुए, और सामने देखिए छोटी छोटी पतंगें दिख रही हैं आपको, वो हो रहा है LKCO द्वारा जो आयोजित टूर्नामेंट चल रहे हैं उसकी पतंगें हैं, जो छोटी छोटी पतंगें दिख रही हैं आपको। चलिए
सामने भी अच्छे अच्छे मैच हो रहे हैं, सीआईडी है, बाहुबली है, ऐसे बहुत सारे मैच हो रहे हैं। ऊपर का पेज ले रहे हैं बिग बॉस दिल्ली, एक पेज से पीछे है तो वजीर बाग एक पेज से आगे है। चलिए नीचे का पेज है, चलिए कोशिश कर रहे हैं, वजीर बाग खड़ी करते जा रही है पतंग धीरे धीरे, और वो ज़्यादा अंदर लेके नहीं आ रहे हैं दिल्ली की जो प्लेयर के टीम के मेंबर हैं, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, नीचे करके रख, ऊपर वाले प्लेयर को कोशिश करनी चाहिए। चलिए सीधा खड़ा खींचा है, अंदर उतारा, बाहर दिखाया दिखाया दिखाया, उन्होंने बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ खींचा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि अपनी पतंग हल्की कर ली थी और इन्होंने धीरे धीरे खींचा था जिसकी वजह से पतंग टाइट रही और बढ़िया पेच काट दिया ये बिग बॉस ने, एक एक स्कोर बराबर वजीरबाग से। डार्क हॉर्स का होगा दूसरा पेच और पहला पेच कट गए थे, कोई बात नहीं, और सामने है एक्सीलेंट। चलिए दोस्तों पेच देखते हैं, डार्क हॉर्स कोलकाता ऊपर से है 1-0 से पीछे है, नीचे है एक्सीलेंट की टीम, बिल्कुल एक्सीलेंट, नीचे से लखनऊ, पेच की दूरी 450 मीटर, इस वक्त हवा थम गया है और अच्छा चल रहा है, अंदर तेज हाथों से बढ़ते हुए डार्क हॉर्स की टीम, और बढ़ाया एक तरह से अपने पाले में बुला रहे हैं एक्सीलेंट, तेजी तेज हाथों से बिल्कुल उतार लाए हैं, ये भी तेज खींच रहे हैं नीचे से एक्सीलेंट। चलिए मुड्ढा बनाया बाहर का, खींचते हुए लेके जा रहे, क्या रोकेंगे, इन्होंने कंठी पट मारा है बहुत तेज, क्या होना है देखते हैं, बहुत अच्छा पेच काटा है, शानदार ये पेच काट दिया एक्सीलेंट ने, कंठी पट मारा है, ताकत से खींचा है, बहुत खतरनाक पेच। सात पांच का स्कोर हो चुका है दोस्तों, जेडी वर्सेस मेहताब प्रयागराज, हमारे तौसीफ भाई हैं, शानदार पेच कर रहे हैं, 7 से आगे हैं, 5 से वो पीछे हैं, आइए पेच की तरफ चलते हैं। जेडी वर्सेस मेहताब प्रयागराज 7 पेच काट चुके हैं इस समय तक जेडी, तौसीफ भाई लगातार लड़ा रहे हैं, और ऊपर से है मेहताब प्रयागराज, 5 पतंगे काट के पीछे हैं। चलिए दोस्तों पेच को समझते हैं और सीखते हैं, बहुत सारे मैच होने हैं अभी, तो अपनी अपनी टीम देखते रहिए कौन सी टीम बाहर हो रही है कौन सी टीम अंदर हो रही है, क्योंकि असली मैच तो अब स्टार्ट होंगे जब क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे, क्वार्टर्स शुरू होंगे। पेच सही है, पेच की दूरी यहाँ से मेरे पास से लगभग 400 मीटर से भी ज़्यादा, देखिए दूरी इतनी होती है, 500 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, 600 मीटर तो बिल्कुल तेज़ हवाएं होती हैं तब होता है, 700 मीटर कब होता है, उन्हीं तेज़ हवाओं में जब पेच फंस जाता है तब 700 जाता है, 800-900 मीटर तो अभी तक पहुँचे ही नहीं है पता, तो ये कह देना खड़े होकर छत से कि हम 1000 मीटर पर लड़ा रहे हैं तो ये सारा सर गलत होता है, 1000 मीटर बहुत दूर होता है, पतंग बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो जाती है उसकी, फिर ऐसे लेंस से ही देख सकते हैं उस पतंग को। चलिए कोशिश कर रहे हैं मेहताब ऊपर से, नीचे से हमारे तौसीफ भाई लगातार कोशिश करते हुए, 1 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है, 1 मिनट 23 सेकंड, नीचे रखा मेहताब ने, हल्का हल्का बाहर निकालते हुए तौसीफ भाई, एक काम करते हैं तौसीफ भाई धीरे धीरे करके अपने पाले में ले आते हैं, यानी बिल्कुल सेंटर जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से पतंग बिल्कुल सामने रहती है इनकी, यही एक अच्छाई होती है इनके पेच में, या एक तरह से कह लें चालाकी। उसके बाद पतंगबाज क्या करता है सामने वाला ओपोनेंट पतंग का प्लेयर, जिधर भी खींचे ये बाहर खींच देते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा वो पेच याद होगा आपको शब्बू भाई का, वैसे ही लड़ा रहे हैं, बिल्कुल अपने पाले में बुलाते हैं शब्बू और बाहर की तरफ झटक देते हैं या तेज खींच देते हैं, कोई मौका नहीं मिल पाता है, क्या करना है, अंदर के हाथ उतारना है तेज हाथों से। ये सही है लेकिन दे नहीं रहे ऊपर वाले पेच को,
करें क्योंकि ऐसे कैमरा उठाए उठाए बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है अब। अरे लड़ा लो भैया, ठीक है उतार के ला रहे हैं फिर हटा रहे हैं, करना क्या है भाई हमारे, क्यों थक आ रहे हैं आप। थोड़ा कोशिश करने चाहिए, ऊपर की जो पतंग है मेहताब प्रयागराज से उनको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है चल रखा पतंग नीचे क्या है, यहाँ पे अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं तौसीफ भाई। अरे भाई हिम्मत नहीं पड़ रही है, चलिए फिर से कोशिश करें। ओके तीन मिनट से ऊपर का समय हो गया और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी देर पे छोड़ रहे हैं, अब तक कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि एंगल सही है इसलिए अब तक कैंसिल नहीं किए जा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं प्रयागराज, लड़ा लो भैया। करते जा रहे धीरे धीरे, ये ले जाके रखा है निकलता हुआ मुट्ठा बनाया, अचानक से गद्दा मारा, इन्होंने भी तेज खींचने से पहले काट दिया, यही करना चाह रहे थे लग रहा है, झोल झोल काटना चाह रहे थे, निकलता दिखाया मुड्ढा बदला बिल्कुल नीचे गद्दा मार दिया झोल पे, तब तक कुछ करते तब तक वो कट जाते, कट गए तौसीफ भाई, समझ रहे दोस्तों ये भी चाल है। चार मिनट हो गए यार उठाए उठाए कैमरा। अलिस्बा वर्सेस चल रहा है यहाँ पे, शीश महल एक एक पेज काट के बराबरी पे कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला पेज दिखाते हैं, अलिस्बा वर्सेस शीश महल, शीश महल ऊपर से है अलिस्बा नीचे से है, एक एक स्कोर बराबरी पे है। आगे देखिए कितनी सारी ढेर सारी पतंग उड़ रही हैं, ये देखिए ऑल इंडिया जो 6 तारीख से स्टार्ट है LKCO द्वारा, ये है लोकफा लखनऊ ओल्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन द्वारा ये आयोजित 10 तारीख से स्टार्ट है, 11 से पेच लड़ना स्टार्ट हुआ है और आज तक लगातार लड़ रहा है, सी पोल का ये मैच चल रहे हैं, पेच सही है, नीचे से है अलिस्बा ऊपर से शीश महल, स्कोर एक एक बराबर। चलिए ऊपर से देखिए शीश महल, लेफ्ट साइड वाली पतंग है ऊपर से, राइट साइड वाली पतंग है नीचे से, हल्का हल्का हाथों से चल रहे हैं दोनों। बहुत अच्छी हवा है 10-11 की आसमान में। आइए दोस्तों एक एक का स्कोर बराबर चल रहा है, ऊपर से है शीश महल नीचे से अलिस्बा, एक एक की बराबरी है, पेच की दूरी 500 मीटर हो चुकी है। चलिए कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से है शीश महल नीचे से अलिस्बा, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ये ऊपर से है यानी ऊपर से गई हुई है। ये मैं इसलिए क्लियर करता हूँ ना कि अगर नए कोई स्ट्रेंजर देख भी रहा हो इस गेम को ना देखता हो तो वो समझ पाए कि कौन सी पतंग कहाँ से उड़ रही है। सर्कल नहीं बना सकते हैं दोस्तों, लगातार मैच चल रहे हैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तब भी मैं बहुत ज़्यादा काम करके दे रहा हूँ, ऊपर से अलिस्बा माफ़ कीजिएगा ऊपर से शीश महल नीचे से है, ये देखिए अलिस्बा शीश महल ने मुड्डा बदला नीचे की तरफ, बहुत गड़ौता हुआ बिल्कुल खींच दिया है और इन्होंने फिर से कंटी पट मारी है, पतंग मुड़ के ही है, ये मुड़ गई है पतंग, अच्छा कंटी पट पड़ भी जाता तब भी ये कट जाते क्योंकि बिल्कुल तबाही वाला, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चोंच निकलता हुआ मुड्ढा बना के मारा था बिना झोल का, और इस समय कंटी पट काम ना आता क्योंकि झोल बना रहता, समझ रहे इस समय क्या कर सकते, रोक के अंदर को ही खींचते तेज जितना ताकत थी, हालांकि झोल पीछे जाता लेकिन तेज ताकत से खींचते तो कुछ हो सकता था। तो गोल्डन टी काइट क्लब है 3 पेचों से आगे, पीछे इमरान सर हमारे और आशीष जी लगातार खतरनाक बिल्कुल अंदाज अपनाए हुए हैं और बहुत ही टेक्निकल पेच लड़ा रहे हैं। आइए चौथे पेच के लिए लड़ाएंगे आशीष जी, सामने है दरिया काइट क्लब। आइए दोस्तों इमरान सर का एक और पेच यानी उनके काइट क्लब का गोल्डन टी काइट क्लब, नीचे है आशीष जी और जैसा मैं बोलता हूँ वो मांझे फरमान नियाज यूज़ करते हैं और देखिए क्या पेच लड़ रहे हैं इस मांझे से, रेंज कम है 18, 21, 22, 100। चलिए बाहर की तरफ तेज़ी से निकालते हुए जा रहे हैं दरियारामपुर, उतनी ही तेज़ी से अंदर आशीष जी बढ़ रहे हैं,
ये देखिए ले जाके झोल पे कस के मारा है, नचा रहे पतंग, और ये कुछ करने से पहले ही कट गए, कुछ करने से पहले ही कट गए यहाँ पे, क्योंकि देर हो गई थी कहीं ना कहीं पहल करने में, जब वो पतंग नचा रहे थे तभी देर हो गई थी। तो इसको क्या कर सकते, जब समय नहीं है तो झटके मारिए अंदर की तरफ, जब समय नहीं है आपके पास तो अंदर को झटके तेज तेज मारो भैया। हाल आशीष सर ये चौथा पेज कट गए, तीन पेज काट के आगे हैं वैसे भी दो पतंगों से। आशीष सर क्या गलती रह गई? थोड़ा लेट हो गए। वैसे आप क्या करते हैं अगर मान लीजिए टाइम रहता तो? बाहर ले लेते, बाहर खींच देते। बहुत अच्छे। सलीम भाई पेज लेने जा रहे हैं, 2-0 से आगे हैं सामने कोलकाता की डार्क हॉर्स। एक्सीलेंट नीचे से है, 2-0 से आगे है, ऊपर है कोलकाता की डार्क हॉर्स। देखते हैं कितना इस घोड़े में ताकत है। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट है ही, पेस सही है, अंदर का मुड्ढा उतार रहे हैं डार्क हॉर्स वाले, ऊपर तेजी तेज हाथों से खींचा है, सलीम भाई लड़ा रहे हैं। चलिए नीचे झोल पे उतारा, आइए देखिए झोल लग गया, झोल लग गया दोस्तों यहाँ पे, और 3-0 से आगे होती हुई। वजीरबाग राइडर ऊपर से, नीचे से है बिग बॉस, स्कोर 1-1 की बराबरी पे है, देखते हैं क्या होता है। चलिए पेस सही है, ऊपर की जो पतंग है सीधे हाथ की जो दिख रही है वो है वजीरबाग राइडर। चलिए नीचे रख रहे हैं और अंदर का मुड्ढा लेके नीचे किया और रखते चले गए, इन्होंने खींचा है बाहर की तरफ तेज खींच रहे हैं, अभी भी खींचते चले जा रहे हैं, उन्होंने थपकी मारी बहुत अच्छी थपकी से, ये पेच काट दिया यहाँ पे, 2-1 से आगे होते ही वजीरबाग, और ये ब्लर हो गया, कटने वाले हैं बिग बॉस। राजू पेठा जी लड़ा रहे हैं मेहताब से, स्कोर क्या है? 7-6 का स्कोर है, 7 उधर है, कोई बात नहीं, टक्कर दे रहे हैं पूरा पूरा हमारे राजू सर, आइए। 7-6 का स्कोर चल रहा है ऊपर से जेडी, नीचे से हैं मेहताब काइट क्लब, राजू जी लड़ा रहे हैं, 7 पतंगे काट के जेडी आगे है। जेडी प्रयागराज नीचे से, ऊपर से है, माफ कीजिएगा, जेडी ऊपर से है और नीचे से है प्रयागराज की टीम, मेहताब का एक क्लब लड़ाने वाले हैं राजू भाई। चलिए पतंग रोक रहे हैं, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं राजू भाई, पतंग के चेहरे की तरफ लेके जाते हुए जेडी चक्कर दे रही है, हवा कम लग रही है उधर, पेच की दूरी 350 मीटर, हवा कम है इसलिए पेच कम ही हो रहे हैं, अंदर बढ़ते हुए राजू भाई एकदम तेजी से ले जाके रखा, राजू भाई ने बिल्कुल ऊपर करके थपकी मारी है, उन्होंने भी थपकी मारी है, क्या होता है देखते हैं, जिसके में कम हवा लगी वो गया, और गए हैं यहाँ पे जेडी, स्कोर हो गया है 7-7 ऑल ऑल। इंटरनेशनल कोलकाता से पेच लेने जा रहे क्रिश, और इंटरनेशनल आगे है 1 पेच से। कोलकाता से भी लगातार टीमें आ रही हैं, ये है टीम इंटरनेशनल और 1-0 से अभी आगे है, ऊपर का जो पेच ले रही है वो है न्यू मुगल लखनऊ की, जितने ही खतरनाक नाम है ये उतने ही खतरनाक पतंग के प्लेयर भी हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए ऊपर से न्यू मुगल, नीचे है इंटरनेशनल, तेज ऊपर खींच रहे, उन्होंने ऊपर तेज खींचा है क्योंकि झोल जो है झोल से लोग काटना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, पतंग चक्कर दिया बाहर की तरफ खींचा है न्यू मुगल ने, पतंग उन्होंने चमकाई और ये देखिए कुछ करने से पहले ही कट गए, बहुत ज़्यादा देर लगा दिया यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे लेकिन झोल का समझ और समय का समझ बहुत ज़रूरी है, पहल कब करनी है कब नहीं इसमें कुछ मैं नहीं बताऊँगा, इसमें तो पहल करके इन्होंने बिल्कुल गद्दे पर मारा है, जो कोना था उसी पे बिल्कुल ले जाके पतंग डुबो थी वो कटे जाके इंटरनेशनल, 1-1 स्कोर बराबर है। 4 फ्रेंड्स हैं प्रयागराज से, आइए दोस्तों नीरज भाई लड़ाने जा रहे पेच को,
6-6 का बराबरी है। सामने है ओल्ड फ्रेंड, माफ कीजिएगा, ए वन ओके। रामपुर वर्सेस न्यू मुगल, 6-6 की स्कोर बराबरी है। ऊपर वाली पतंग है न्यू मुगल की जो राइट साइड चलते चले आ रहे, और लेफ्ट वाली साइड की है रामपुर फोर फ्रेंड्स की, बाहर निकाल रहे। ये देखिए न्यू मुगल ने ले जाके मारा है, उन्होंने अंदर की तरफ तेज रुख दिखाया है, बहुत तेज खींच रहे हैं, बहुत अच्छा झटके मार दिया अंदर की तरफ। स्कोर हो गया है रामपुर का 7-6 से, रामपुर आगे है फोर फ्रेंड्स। पेस सही है, दरिया रामपुर नीचे से है, गोल्डन टी ऊपर से बाहर की तरफ निकाल रही है। नचाया, नीचे मारा तेज, उन्होंने बाहर निकाला, बिल्कुल तेज वहीं गद्दा मारा। इन्होंने भी पट करने की से पहले ही पतंग इनकी कट गई, थोड़ा सा पहल में दिक्कत हुई, और 4-1 से आगे होते हुए गोल्डन टी काइट क्लब लखनऊ कटने वाले हैं दरिया काइट क्लब। खैर शीश महल अलिस्बा का ये पेच होता हुआ, 2-1 से शीश महल आगे है। ऊपर का पेच है अलिस्बा का, नीचे है शीश महल। चलिए पढ़ते हुए तेज हाथों से, पेच बिल्कुल सही है, शीश महल नीचे से अलिस्बा ऊपर से, 2-1 से आगे है शीश महल। तेज खींचा है, बहुत तेज इन्होंने भी मारा है, बहुत तेज, बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे शीश महल ने, बहुत ज्यादा तेज खींच के काट दिया ये अलिस्बा को, क्या खींचा था। स्कोर 3-1। आइए दोस्तों प्रयागराज का एक और मैच होता हुआ, पेस सही है, प्रयागराज नीचे से है, ऊपर से लखनऊ की टीम, नीचे किया राजू जी लड़ा रहे, नीचे से है प्रयागराज। ये देखिए मारा है बिल्कुल, इन्होंने भी बिल्कुल क्रॉस पट तेज पट मारा है, लेकिन दोस्तों ताकत चाहिए इसके लिए, बहुत ताकत चाहिए, उतनी तेज खींची नहीं है। आइए जानते क्या स्कोर हुआ इन दोनों के बीच, क्या स्कोर हो गया सर? 8-7। देखते हैं, कोशिश जारी है यहाँ पे राजू सर की, राजू सर जी जी बिल्कुल। 2-1 का स्कोर है, वजीरबाग से गेम है, और ये है दिल्ली के बिग बॉस। आइए दोस्तों, वजीरबाग ऊपर से है और नीचे है दिल्ली की बिग बॉस, ये सही है। चलिए वजीरबाग ने नीचे किया, राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, बाहर की तरफ खींच रहे हैं बहुत सारे कौए। ये देखिए बिल्कुल नीचे गड़ो तो गद्दा मारा, इन्होंने बाहर की तरफ खींचने से पहले ही पतंग कट गई। आज मैं देख रहा हूँ कि पहल करने में देर हो रही है, जिसकी वजह से लखनऊ के प्लेयर्स काफ़ी अच्छा पेस काट दे रहे हैं, धीरे से ले जाके झोल पे रखे हुए हैं और अचानक से बिल्कुल अपनी जगह पे खींच दे रहे हैं, समझ रहे दोस्तों। यहाँ पे क्या बोले जब पहल ही नहीं हो पा रहा है। रामपुर से फोर फ्रेंड्स लड़ा रहे हैं, फोर फ्रेंड्स रामपुर 7 पतंगों से आगे, 6 पतंग काट रखी है A1 ने, मुख्तार ऊपर से पेच ले रहे हैं, नीचे पतंग है नीरज भाई की। चलिए रामपुर के भी प्लेयर्स काफ़ी अच्छा पेच लड़ा रहे हैं, सामने जो पतंग पकड़ी गई उसे नीचे उतारने के लिए बोला गया है, नीचे की तरफ किया है, यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं मुख्तार, इन्होंने बाहर किया कंटी पट किया, बहुत अच्छा पेच काटा, क्या बात है, वहीं पे हल्की हल्की थपकी मारते रहे, इन्होंने उठाने की गलती की, हवा नहीं है, ये चीज़ें हवा में की जाती हैं दोस्तों। 8-6 हो चुका है, अरे भाई A1 है ये, लेकिन देख रहे हैं दोस्तों टूर्नामेंट है, कोई भी कभी भी बाहर हो सकता है। तो नीरज भाई, ये आपने शानदार थपक के काट दिया, क्या वो कर सकते थे कि कुछ दिक्कत हो सकती थी? अगर
ज्यादातर पट पूरा मार देते हैं, पट मारते हैं पूरा पट मारते हैं। तो ये नीरज भाई है, 8 पतंगे काट चुके हैं रामपुर से 4 फ्रेंड्स, और सामने है हमारी A1 से मुख्तार लड़ा रहे थे और बिल्कुल पासा पलटता हुआ दिख रहा है। एक पेच इनको काटना है और 2 या 3 पेच उनको, 3 पेच उनको काटने हैं। चलिए दोस्तों, तो आज ही होगा जी, अभी हो रहा है, सब पतंग उनका उड़ गया है। ओके, तो चलिए निर्णायक मोड़ पे हैं। तो मेहताब काइट क्लब है और जमीर जमीर भाई हमारे पेच ले रहे हैं। देखिए नाम याद रह गया मुझे, 7-8 का स्कोर है, इनको काटने हैं 2, उनको काटने हैं पूरे 1। आइए पेच की तरफ चलते हैं। पीछे हमारे राजू जी, ऊपर से जेडी है, नीचे है प्रयागराज की टीम मेहताब काइट क्लब, और नीचे से बढ़ रहे हैं जमीर। एक पेच काटना है यहाँ पे जेडी को, देखते हैं क्या होता है। तेज तेज खींच रहे हैं, आवाज आ रही है यहाँ तक, बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। जेडी भी बाहर की तरफ ही निकाल रही है, जेडी ने पतंग नीचे की, उन्होंने पतंग बचाई और बढ़ रहे हैं। बचाने वाला कोई सिस्टम नहीं, चढ़ के लड़ेंगे। आइए नीचे से समीर, मेहताब काइट क्लब प्रयागराज, चलिए बढ़ते हुए। ऊपर से हैं जेडी की टीम, 8-7 का स्कोर है ये, खतरनाक मोड़ पे। अगर जमीर ने काट दिया तो इस टूर्नामेंट में जिंदा रहेंगे, नहीं तो बाहर। और एक पेच काटना है मात्र लखनऊ की जेडी टीम को, बढ़ते हुए बिल्कुल तेज हाथों से चल रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं ऊपर की तरफ। चल ठीक है, और बढ़ाया बहुत तेज हाथों, पूरी ताकत लगा के बढ़ रहे हैं। पतंग देखिए कैसे चला रहे हैं जमीर, और वो भी चेहरे पे लगातार रखे हुए हैं, अंदर को उतारने की कोशिश करेंगे। नीचे किया उनने, पेच अभी भी सही है, चलिए बाहर निकाल रहे हैं। जल्दी लड़ा ले भाई, क्या करना चाह रहे हैं जमीर यहाँ पे, क्या खींच देंगे बिल्कुल बाहर की तरफ। बिल्कुल बहुत अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे, यही करना चाह रहे थे जमीर, और बहुत देर कर गए अंदर उतारने में। और जेडी भी यही करना चाह रही थी कि अंदर उतारना चाह रहे थे। ऑल एंड ऑल का गेम है, ऑल एंड ऑल का गेम हो चला है, शानदार ये पेच काटा है यहाँ पे जमीर ने, ऑल एंड ऑल का गेम हो चला है दोस्तों, शानदार। जमीर A1 वर्सेस रामपुर, एक पेच काटना है रामपुर को, 2 पेच काटने हैं A1 को। ऊपर की पतंग राइट साइड वाली है A1 की, नीचे की पतंग है नीरज भाई की। नीरज भाई ने बिल्कुल कहर मचा दिया, चलिए ये ले जाके रखा है। नीरज भाई ने बाहर दिखाया, उन्होंने अपने तेज खींचा, इन्होंने रोक के अंदर की तरफ खींचा है, क्या होना है, रोक ली पतंग बहुत अच्छा पेच काट के, और इन्होंने ले ली है एंट्री और A1 को कर दिया है बाहर। बिल्कुल उस्तादो वाला पेच काट दिया यहाँ पे नीरज भाई ने, पतंग बाहर करके रोक ली है, शानदार ये पेच काट दिया है, बधाई मिलती हुई यहाँ पे। तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा, इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा, तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा, चुपन में आसमां में मुद्दों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। ऑल इन ऑल का गेम है, जेडी ऊपर से है, नीचे से है मेहताब काइट क्लब, चलिए देखते हैं। सीधा ऊपर खींच रही है, दोनों मुद्दे लेके आई है, चलिए समय हो गया 6:30, पूरी तरह से अंधेरा हो गया, वो तो कैमरे का कमाल है, हम आराम से देख सकते हैं। नीचे बढ़ते हुए मेहताब, मेहताब काइट क्लब नीचे से, ऑल इन ऑल का गेम चल रहा है, जेडी वर्सेस मेहताब है, दोनों लोग एक दूसरे की पतंग दिख रही है प्रयागराज, हमें तो फिलहाल दिख रही है, हम दोनों की पतंग देख रहे हैं, ठीक है हमें भी दिख रही है, एक दूसरे अंदर जा रही है, ठीक है मुझे भी दिख रही है, और मुझे आशा है कि आपको भी दिख रही होगी दोस्तों। हाथ की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं जेडी, नीचे किया जेडी ने, चलिए ठीक है, उन्होंने भी निपट कर लिया काफी ज्यादा,
उठाया उन्होंने, मेहताब ने, जमीर लड़ा रहे हैं पेच। पेच सही है, पेच सही है, दोनों लगाने की कोशिश कीजिए। 6:30 बज रहे हैं, सोच सकते हैं आप अंधेरा हो गया। पेच की दूरी 250 मीटर के करीब है, इससे ज्यादा दूर पतंग दिखेगी भी नहीं। चलिए ये रख रहे हैं, अब रखा नीचे, चलिए राइट साइड वाली पतंग है जेडी काइट क्लब की, 8 पतंगे काटी है। नीचे मेहताब, उन्होंने भी 8 पतंगे काटी है, जो लेफ्ट साइड है। पेच लगाने की कोशिश कीजिए, पेच सही है, पेच लगाने की कोशिश कीजिए दोनों लोग। देखते हैं क्या होता है। पेच सही, पेच सही है, पेच सही है, लेकिन लड़ा नहीं रहे हैं। पेच सही है, दोनों लोग लड़ाने की कोशिश कीजिए, पेच सही है। उन्होंने खड़ा करके दिया पतंग, सही है। नीचे किया पट, सही है, और नीचे सही किया है। सही है। सही है। सही है। दोनों को लगाने की कोशिश कीजिए, जो कटेगा वो होगा बाहर। निकलता हुआ दिखा के मारा है, उन्होंने भी अंदर की तरफ खींचा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शानदार ये पेच काटा है जेडी ने, जेडी ने काट दिया है ये पेच, जेडी ने काट के महताब इलाहाबाद को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और फिर तीसरे राउंड में आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो जेडी, आप तीसरे राउंड में तशरीफ ले आए हैं। शानदार ये पेच, गद्दा बिल्कुल बाहर निकलता हुआ मारा था, मौका नहीं मिला। भाई बहुत आसिफ भाई है, और ये है हमारे भाई, बहुत ही शानदार पेच, अच्छा पेच काट रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, बधाई देते हुए ये जो व्हाइट टी शर्ट है, और ये ऑल इन ऑल के गेम में काटा है हमारे भाई ने जेडी काइट क्लब से, और 500 नहीं 1000 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है कमेटी की तरफ से, और लाइक सर के हाथों और वसी सर के हाथों से दिया गया है। बहुत ही अच्छा पेच काटा था, थोड़ा सा टाइम जरूर लिया था, लेकिन बना के पेच काटा है। हमारे अमान भाई भी यहीं हैं, सारे के सारे लोग मौजूद हैं, और ये देखिए सब बहुत अच्छा पेच काटा। कुछ बंदा हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं था, हम उसका खेड़ा को अच्छा पेच बिल्कुल निकलता हुआ गद्दा मारा था टाइमिंग से, कोई मौका नहीं दिया था मेहताब का एक लड़को, उन्होंने भी बहुत अच्छा पेच लड़ाया है, सबको बधाई। अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है जेडी काइट क्लब, तौसीफ भाई, और ये रहे हमारे बंटी भैया। क्या हाल है आप लोगों के सर? कैसा पेच लगा आखिरी वाला? दिखा था पहले ये बताइए। नहीं नीचे आ रही तो देखिए गद्दा जो पड़ रहा था, बहुत अच्छा पेच काट रहे हो, बहुत अच्छा टाइमिंग से, थोड़ा समय लेके वो तो चलता है टूर्नामेंट। उसकी लाठी उसकी भाई।